सेनाओं की भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपना ध्यान सामने ले जाएं, यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है। एक और ALH जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर LSV और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना के दो स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की दूरी के विभिन्न सर्वेलेंस ड्रोन्स जैसे सर्वे ड्रोन और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट दिन और रात के समय सूचना एकत्रित करते हैं। कुछ ही देर में टारगेट लॉक होते ही अपने रॉकेट के विनाशकारी फायर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 175 एमिनेशन कैटेगरीज में से 154 कैटेगरीज को अब स्वदेश में ही निर्मित किया जा रहा है। इसमें पिनाका रॉकेट भी शामिल है। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। पिनाक का शब्द पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। यक्ष स्वरूपाए जटाधराए पिनाक हस्ताए सनातनाए दिव्याए देवाए दिगंबराए तस्मय कराए नमो शिवाय। अब आप स्क्रीन पर लाइव RPA फुटेज के द्वारा इनग्रैड और पिनाका रॉकेट सिस्टम के प्रहार से दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये रडार्स T, W, B और R स्क्रीन से दर्शाए गए हैं। बाएं से दाहिने T से दर्शाया 3D TCR रडार, W से दर्शाया वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति, बी से दर्शाया बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार मीडियम रेंज या BFSR MR। इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हायर कमांडर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। दुश्मन के फ्यूल डिपो और आर्टिलरी गन पोजिशन का विनाश, धुएं का गुबार और धुएं के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का अहंकार। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाहिने ले जाएं। कुछ ही पलों में आप इसका उदाहरण राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे जहां 3 K9 वज्र तैनात हैं। टारगेट एक्विजिशन करते ही ये गन्स अपने डायरेक्ट फायर द्वारा टारगेट ग्रुप 7 पर दुश्मन के टैंक्स को बर्बाद करेंगी। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 7 पर ले जाएं। अगर आप अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं, तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम तथा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार करेगा।
पराक्रम की इसी पराकाष्ठा से प्रेरित स्वदेश निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन, जिसका एक दस्ता बाएं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रदान करता है। देवी और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम या IDDIS। आपके सामने एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात है। ये दोनों सिस्टम्स संगठित रूप से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हॉट किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार पैदल सेना की दूसरी कंपनी ने अपने बाएं तरफ देख सकते हैं। लड़ाई के हालात में यह पैदल सेना किसी खुले गैप में पोजीशन इख्तियार करती, मगर फायरिंग रेंज की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन गाड़ियों को MBT अर्जुन और BMP-2 के पास रोका गया है। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजिशन को इख्तियार कर लिया है। जहां इतिहास में पहली बार एक लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से अर्जुन टैंक पर एमिनेशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक MBT अर्जुन को एमिनेशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बना हुआ भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH-5 और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 1 में बर्बाद करेंगे। अब आप देख रहे हैं किस तरह दाहिने से आगे बढ़ते हुए 28 T-90 टैंक बाएं वाले 14 टैंकों के साथ मिलकर अपने आधुनिक फायर कंट्रोल द्वारा दुश्मन पर अचूक प्रहार करते हुए दुश्मन के लेजर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से बचाव के लिए टैंक T-90 81 mm एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हुए आपके सामने सबसे नजदीक वाला T-90 टैंक 12 स्मोक ग्रेनेड फायर कर रहा। इसका एंटी थर्मल एंटी लेजर सफेद धुआं टैंक को छुपाव दे रहा। T-90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। हम शत्रु पर तीनों सेनाओं के साथ पूरी ताकत के साथ संहार करते हैं, तो संहार आसमान सर धरो, विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। Omar dropped it.